भरूच जिला कांग्रेस महिला समिति द्वारा सूरत की ग्रीष्मा वेकरिया की हत्या का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया। भरूच जिला कांग्रेस महिला समिति द्वारा भरूच के पांचबत्ती विस्तार में सूरत के पासोदरा पाटिया के पास एक तरफी प्रेम में पागल युवक द्वारा ग्रीष्मा वेकरिया की सरेआम की गई हत्या का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया गया, जिसमें मृतक ग्रीष्मा वेकरिया को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया था। जाहिर सी बात है कि एक तरफी प्रेम में पागल बने वैसे युवक द्वारा ग्रीष्मा वेकरिया को सरेआम चाकू से हमला करते हुए मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद लड़की के चाचा और उसके भाई पर भी चाकू से हमला किया गया, जो एक घटना अंतर्गत राज्य भर में काफी फिटकार की भावना पैदा हुई है। भरूच जिला महिला कांग्रेस समिति द्वारा पांचबत्ती विस्तार में सरकार को कानून के कायदे नियम अवगत करवाने के अंतर्गत और की जा रही वैसी ढीली कामगिरी के आरोप लगाते हुए सूत्रोच्चार लगाने के साथ आज कार्यक्रम का आयोजन किया था, तो वहीं बाद पुलिस ने यह कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कई महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अटकायत की गई थी। नमस्कार, हूँ ज्योतिबेन तड़वी। हाल में बे दिवस पर जे सूरत में घटना बनी तेमा एक तरफी प्रेम में पागल फेनिल नामना नराधमे एक फूल जेवी दीकरी ग्रीष्मा नामनी दीकरी पर जाहिर में गड़ा पर चक्कू मुकीने एनु गळू कापीने हत्या करी नाखी छे, त्यारे जाने गुजरात में जंगल राज आवी गयो होय एवा दृश्य थई रह्या छे। ત્યારે આજના લવર મુછરિયાઓ ખુલ્લેઆમ બંદૂક અને ચક્કુ લઈને ફરી રહ્યા છે એવું દેખાઈ રહ્યું છે, ત્યારે જાણે કે એ લોકોને પોલીસનો પણ ડર નથી ને આ સરકારનો પણ ડર નથી, માટે મારે ગુજરાતના ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંધવી સાહેબને કહેવું છે કે વહેલામ વહેલી તકે આ કેસ ફાસ્ટર કોર્ટમાં ચલાવીને આ નરાધમને જાહેરમાં ફાંસી આપે ને આ ફૂલ જેવી દીકરીને ન્યાય મળે એવી અમારી ભરૂચની કોંગ્રેસની બહેનોની માંગ છે અને વિનંતી છે।